वेलकम टू ईजीबे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जितने भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट है, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एसएससी की तरफ से गुड न्यूज़ कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही बेहतरीन न्यूज है जो अभी एसएससी की वेबसाइट पे आया है, एसएससी की तरफ से आई है। वह यह है कि एसएससी आने वाले कुछ समय में यहाँ पर देखिए, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। The Commission in its continuous effort to recruit process 70,000 यानी कि 70,000 additional vacancy। इसका क्या मतलब हुआ, हम आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देते हैं। Waking up the process of filling of about 17,000 additional vacancy, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो आने वाली वैकेंसी है, SSC कर रहा है कि 70,000 वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने वाली आपको है कुछ समय में एडिशन वैकेंसी। ऐसा नहीं कि जो SSC 2021 का CHL चल रहा है वो वैकेंसी की बात कर रहा है या CGL की बात कर रहा है, नहीं। जो एडिशनल वैकेंसी आने वाली है, यानी कि जो 2022 में वैकेंसी आने वाली है SSC का, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं SSC बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे CGL हो गया, CHL हो गया, MTS हो गया, SSC DD हो गया। तो ये सब मिला करके टोटल 70,000 वैकेंसी SSC में फिलअप होने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन आने वाली है। जैसा कि SSC कह रही है कि जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, और ये आपको डेट दिखा दें कि कब का है। तो ये डेट आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20/6/2022, यानी कि आज की डेट में ये नोटिफिकेशन निकली है। SSC की वेबसाइट पे आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मजे की बात तब होगी कि जो 70,000 वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम हम लोग तो ये दुआ कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो वैकेंसी हो वो ऑफिसर लेवल के हो। ऐसा नहीं कि 70,000 में 50,000, 55,000 या 60,000 आपका SSC DD का ही निकाल दें और 15,000 से 20,000 आपका ऑफिसर लेवल निकाले, तो उतनी ये भी हालांकि अच्छी बात है, बट वो वाली फील नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये कि हम दुआ कर सकते हैं, कामना ये कर सकते हैं कि जो 70,000 वैकेंसी है आने वाली है SSC की तरफ से, उसमें मैक्सिमम वैकेंसी आपका ऑफिसर लेवल हो, चाहे वो SSC CGL के लेवल से सेलेक्ट करें या CHL के करें, है ना, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि PM मोदी भी कहे थे कि आने वाले कुछ समय में 1,000,000 वैकेंसी आने वाली है। तो धीरे धीरे अलग डिपार्टमेंट में, चाहे आप रेलवे हो या SSC हो, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम वैकेंसी आई है, तो अब समय है कि जब वैकेंसियाँ निकलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, रिक्त है, स्थान खाली है, तो उसके लिए भरना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका एडिशनल वैकेंसी निकलेगी है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, तैयारी में लग जाइए, इसका इंतज़ार मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, वैकेंसी है, तो और लोग ज़्यादा जान लगाएंगे। इसलिए आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा तैयारी में जुट जाइए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे होगा तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।